गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज स्टैंडर्ड 7 चैप्टर नंबर 3 वीडियो नंबर 3। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू रीड अबाउट द प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल। प्रोसेसिंग फाइबर इनटू वूल, ओके। वंस द रियर शेप, द फर्स्ट प्रोसेस इज द रियरिंग। व्हाट इज रियरिंग? टेकिंग केयर ऑफ द शेप एंड प्रोवाइडिंग इन अ गुड क्वालिटी ऑफ फूड। द शिप्स आर रियर्ड बाय शेफर्ड, अ पर्सन दे टेक टू द फील्ड। ओके, इन समर एंड रेनी सीजन इट ईट्स ग्रास एंड लीव्स, इन द विंटर सीजन इट फीड्स ऑन द लीफ पल्सेस, कॉर्न एंड वाइल्ड केक्स। नाउ सेकेंड स्टेप स्टार्ट्स दैट द दिस इज रिमूविंग ऑफ फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप इज शेयरिंग। ओके, वट इज दिस शेयरिंग? रिमूविंग द फ्लीश मीन्स आउटर स्किन फ्रॉम अ शिप्स बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग। द पर्सन हु रिमूव द फ्लीश आर कॉल्ड शेयरर। द फ्लीश इज रिमूव्ड इन वन पीस। द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द शोल्डर एंड साइड ऑफ द शिप। यू कैन सी द डायग्राम, अ पर्सन दैट इज रियरिंग द शिप। ओके, दे आर रिमूविंग द हेयर फ्रॉम देयर बॉडी इज कॉल्ड शेयरिंग। नाउ द थर्ड स्टेप इज स्कोरिंग और वॉशिंग। दिस इज द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस ऑफ शिप टू रिमूव द डर्ट डस्ट स्वेट ग्रीस। ओके, ऑल दीज थिंग्स दैट इज कॉल्ड शोरिंग। नाउ अ डे शोरिंग इज डन बाई मशीन्स। ओके, आई एम शोइंग द डायग्राम्स ऑफ शोरिंग, हाउ द पीपल्स आर गेटिंग शोर्ड बाई ट्रेडिशनल मेथड्स बाई मशीन। ओके, यू कैन सी टू पीपल्स आर वॉशिंग द फ्लीश ऑफ द शिप इन अ टैंक एंड सेकेंड वन इज गोइंग ऑन बाई द मशीन। नाउ द थर्ड फोर्थ स्टेप इज शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। वी हैव टू ऑब्टेन द गुड क्वालिटी ऑफ वूल बाई पुटिंग द वूल इन डिफरेंट ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू इट्स क्वालिटी, दैट इज शॉर्टिंग एंड ग्रेडिंग। ओके, हाउ कैन वी जज द क्वालिटी? ओके, द क्वालिटी इज जज बाई कलर ऑफ द वूल, फिटनेस ऑफ फाइननेस ऑफ द वूल, इट्स स्ट्रेंथ एंड क्रिम्प। क्रिम्प इज अ क्वालिटी दैट प्रोवाइड्स अ इलास्टिसिटी टू द फाइबर। ओके, दिस प्योर मरीनो शिप बियर्स द फाइनेस्ट वूल। नाउ द फिफ्थ वन इज कार्डिंग। आफ्टर द वूल इज ड्राइड देन इट इज बींग स्ट्रेस्ड इन टू थिनर स्ट्रैंड कॉल रोविंग विच इज देन ट्विस्टेड इन टू वॉन्स। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज मेकिंग फैब्रिक्स। द यार्न इज नीटेड और वूवन इन टू वराइटी ऑफ फैब्रिक्स बाई द वूल मैनुफैक्चरर। द वूल फैब्रिक्स इज नाउ गिवन अ डिजायर्ड अपेरेंस एंड फील। देन द फाइव फैब्रिक्स आर मेड इन टू क्लोथिंग्स। ओके, दिस इज द स्टेप्स। नाउ वन टॉपिक इज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ वूल्स। वट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ वूल्स आर देयर? द फर्स्ट वन इज द वूल इंसुलेट्स अगेंस्ट हीट एंड कोल्ड। दे डू नॉट अलाउ टू इंटर द हीट फ्रॉम आउटसाइड, कोल्ड फ्रॉम आउटसाइड एंड स्किप द हीट फ्रॉम इनसाइड आवर बॉडी। सेकेंड वन, इट इज़ अ फायर रेसिस्टेंस, नो फायर कैन नॉट कैच इट। ओके, से थर्ड वन, इट रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन, स्ट्रेचेबल इट इज, सो इट रीगेन्स इट्स पोजिशन। फोर्थ वन इज इट इंसुलेट्स अगेंस्ट नॉइज, इट एब्जॉर्ब द नॉइज एंड इट रेसिस्ट बाय द डर्ट्स एंड इट कैन बी डाइड वेरी ईजली एंड गेट अ डिजायर्ड कलर। नाउ यूजेज ऑफ वूल। वूल इज मेनली यूज फॉर मेकिंग स्वेटर्स, ग्लव्स, सॉक्स, मफलर एंड अदर क्लोथिंग ऑल्सो, एंड इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर मेकिंग कारपेट्स एंड फेल्स। फेल्स इज यूज टू एब्जॉर्ब द ओडर, बैड स्मेल एंड नॉइज इन अ हेवी मशीनरी एंड स्टीरियो स्पीकर। ओके, यू कैन सी इन द स्टीरियो स्कीपर स्पीकर ऑल्सो। द वूल इज ऑल्सो यूज टू कवर विद द डाइपर्स। थर्ड वन, वूल कैन ऑल्सो बी रिसाइकल्ड और मैनुफैक्चर। शोडी इज एन एग्जाम्पल ऑफ सच टाइप ऑफ वूल। इट इज़ यूज फॉर मेकिंग चीज।